हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम इन्वर्टिब्रेट्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा में हम कुकुमेरिया अर्थात सी कुकुम्बर या समुद्री खीरा जिसे कहते हैं, का अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एनिमल किंगडम एनिमेलिया, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि संपूर्ण देह जो होती है उस पर स्पाइनी कांटेदार ऑसिकल्स या कंटिकाएँ उपस्थित होती हैं। जैसा कि इकाइनोडर्मेटा का फर्स्ट हम एग्जाम्पल कर चुके हैं स्टारफिश, जो सब फाइलम है या उपसंघ है वो इकाइनोजोआ होलोथूरिया का या कुकुमेरिया का। इकाइनोजोआ में वो इकाइनोडर्म्स आते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं और जिनमें सिमेट्री रेडियल, परफेक्ट रेडियल ना होकर मेरिडायनल होती है। और जो सबसे बड़ा जो लक्षण होता है इकाइनोजोआ का कि इनमें स्पष्ट जो भुजाएं हैं, जैसे कि हमें एंटीडॉन या स्टारफिश में स्पष्ट पांच भुजाएं या पांच से अधिक भुजाएं दिखाई देती हैं, वो यहाँ पर अनुपस्थित होती हैं। या अन्य स्पष्ट जो अपेंडिजेस होते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई देते। जो माउथ है या ओरल ओपनिंग है वहाँ पर टेंटिकल्स या स्पर्शक उपस्थित होते हैं, परंतु भुजाएं या ब्रैकियोल्स आदि अनुपस्थित होते हैं। कुकुमेरिया क्लास होलोथुरोइडिया को बिलोंग करता है, जैसे कि ब्लेन विले ने एक्सप्लेन किया था। और होलोथुरोइडिया में स्पेसिफिकली वो इकाइनोडर्म्स आते हैं जिनमें कि सिंगल गोनेड उपस्थित होते हैं अर्थात एकल जनद। तो ये एकलिंगी होते हैं अर्थात एक अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ये होलोथुरोइडिया के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा ये सेडिमेंट्री फीडर होते हैं जो कि अर्थात समुद्री तल में या पेंदे में रहते हैं, और ऊपर से जो भी भोजन या सड़ा गला भोजन, लेफ्ट आउट पार्ट जो ऊपरी सतह का आता है, वो इनका मुख्य भोजन होता है। तो अगर हम देखें कि कुकुमेरिया जो है, इस स्किन जो है वो बहुत ही लेदरी होती है, चमड़ जैसी होती है, दृढ़ होती है, और सामान्यतः ये बिल्कुल पेंदे पर रहते हैं, सी फ्लोर पर रहते हैं। संपूर्ण विश्व में लगभग 1717 प्रजातियां कुकुमेरिया की अब तक आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। और अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो ये भोजन के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सी फूड जो है, ये बहुत फेमस सी फूड है, जिसमें कि मुख्य रूप, और इसीलिए इसकी कुछ प्रजातियों को कल्टिवेट या उनकी उनको उनकी उपज भी की जाती है। और इसके अलावा अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो मैराइन इकोसिस्टम में ये क्लीनर के रूप में भी जाने जाते हैं, अर्थात क्योंकि पेंदे पर रहते हैं और ये ऊपर से आने वाले जो भी लेफ्ट आउट या डेब्रिस होता है, कचरा होता है, उसके ब्रेकडाउन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रिएंट्स के रीसाइकिल में, मैराइन इकोसिस्टम में रीसाइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री खीरा जो नाम इसको दिया गया है कुकुमेरिया को, वो इसकी जो स्ट्रक्चर है वह खीरे से बहुत मिलती जुलती है, ककड़ी से मिलती जुलती है, अतः इसे समुद्री खीरा कहा जाता है। अन्य इकाइनोडर्म्स की के समान इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे की ओर स्थित होता है, और इसमें माइक्रोस्कोपिक यानी कि बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी ऑसिकल्स या कंटिकाएं पाई जाती हैं, जिनके कि नीचे कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक का स्तर होता है। अगर हम इनके शारीरिक संरचना की बात करें तो ये कभी कभी इतने फ्लैट हो जाते हैं कि बिल्कुल प्लेट के जैसे दिखाई देते हैं। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनमें कि क्योंकि ये समुद्री पेंदे पे रहते हैं, समुद्र के तल के पेंदे पर रहते हैं, तो इनमें विशिष्ट कंटिकाएं या एंडोस्केलेटन है वो लगभग अनुपस्थित या ज़्यादा विकसित नहीं होता है। अगर हम साइज़ की बात करें तो सामान्यतः 10 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और सबसे छोटे जो होते हैं, जो बिल्कुल वर्म के जैसे
दिखाई देते हैं कीड़े के जैसे, वो 3 मिलीमीटर तक के होते हैं, छोटे जो कुकुमेरिया होते हैं। अग्रभाग जो होता है या जिसे हम एंटीरियर एंड कहते हैं, वहाँ पर माउथ के समान ओपनिंग होती है, इसे ओरल पोल या मुख छिद्र या मुखीय ध्रुव भी कहते हैं। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट पश्च भाग जो होता है, वहाँ पर क्योंकि एनस उपस्थित होता है, अतः इसे अपमुखीय ध्रुव भी कहते हैं। अतः अगर हम अन्य इकाइनोडर्म्स की से इनकी कंपेयर करें इनको, तो ये इस प्रकार लगते हैं जैसे कि लेटे हुआ कोई इकाइनोडर्म हो, क्योंकि जो मुख और अपमुखीय ओरल और अबोरल एंड्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के लेटरली लेटे हुए भाग में एक दूसरे के विपरीत स्थान पर होते हैं। जैसा कि बताया, इनमें स्पष्ट रेडियल सिमेट्री नहीं होती है और ये बहुत क्लियरली नहीं बट सिलेंड्रिकल होते हैं। लंबवत अक्ष पर जो होती है वो रेडियल सिमेट्री दिखाई देते हैं, परंतु डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पर यह द्विपार्श्व सम्मिति को भी प्रदर्शित करते हैं। संपूर्ण देह पर ओरल एंड से अबोरल एंड तक एम्ब्युलेक्रल ग्रूव्स पाई जाती हैं, जिनमें की 4 पंक्तियां ट्यूब फिट की उपस्थित होती हैं। परंतु ये ट्यूब फिट इतने डेमिनिश होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं आकार में, कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। अब जो एम्ब्युलेक्रल ग्रूव्स होती हैं, ये मुख्यतः 5 होती हैं, जो कि डॉर्सल सरफेस पर 2 दिखाई देती हैं, जिसे कि हम बाइवियम कहते हैं, और वेंट्रल सरफेस पर 3 एम्ब्युलेक्रल ग्रूव स्पष्ट होती हैं, अतः इसे ट्राइवियम कहते हैं। मुख के चारों ओर टेंटेकल्स उपस्थित होते हैं, जो कि एक वलय में उपस्थित होते हैं, एक रिंग में उपस्थित होते हैं, और ये टेंटेकल्स पेशियों द्वारा जुड़े रहते हैं और भोजन को मुख के अंदर घेर धकेलने में या मुख के अंदर डालने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जो ट्यूब फिट होते हैं वो ब्रांच्ड बहुत सूक्ष्मतम है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, परंतु सिंपल, और कुछ जो स्पीशीज़ हैं उनमें ट्यूब फिट शाखित भी होते हैं। अतः ट्यूब फिट जो हैं उनके अंदर की ओर लॉन्गिट्यूडिनली लंबवत मसल्स उपस्थित पाई जाती हैं, जो कि इनके मूवमेंट में या लोकोमोशन में सहायक होती हैं। तो जो पेशियां होती हैं टेंटेकल्स और ट्यूब फिट की, में किसी भी प्रकार के मूवमेंट या गति में इनको सहायता प्रदान करती हैं। तथा अगर हम देह भित्ति की बात करें तो वो एपिडर्मिस और डर्मिस की बनी होती है। ये 2 मुख्य स्तर होते हैं जिनमें कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंटिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कि एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त जो बॉडी वॉल है या देह भित्ति है, उसके अंदर की ओर सिलोम उपस्थित होती है, जिसमें कि 3 लंबवत आंत्रयोजनियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि आंतरिक अंग जो होते हैं, बाकी जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम या अंग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये कुकुमेरिया का बॉडी प्लान है, उसकी सामान्य संरचना है। PDF के रूप में आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप इनको कॉपी कर लेना और डायग्राम ड्रॉ कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।